नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। आज हम देखने वाले हैं 27 मार्च के करंट अफेयर्स। मैं आप सभी को फिर से दोहरा देता हूं कि ये जो करंट अफेयर्स है वो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें पहले हम पहले नोट्स डालते हैं, उसके बाद इस पे बेस्ड करेंट अफेयर्स के क्विज लेके आते हैं पीपीटी फॉर्मेट में। इसका भी पीपीटी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। दूसरा चीज, अगर आप किसी भी मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ 169 रुपीज दे के आप मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो, बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। लिंक जो भी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो मार्च 27 को मनाया जाता है। और आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड थिएटर डे ये 1961 में इनिशिएट किया गया था। और इसको स्टार्ट कौन किया था? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया था। बेसिकली ये कला है, लोगों को ये कला प्रदर्शन किया जाता है और लोगों को ये इम्पोर्टेंस समझाया जाता है कि थिएटर भी कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कला है। नेमाई घोष कौन है जो अब नहीं रहे और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? ये एक फोटोग्राफर थे। मैं आपको बताते चलूं कि नेमाई घोष सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं थे, वो बल्कि एक ऑथर भी थे। उन्होंने एक बुक भी लिखा है, माणिक दा। क्या लिखा है ये? माणिक दा मेमोयर्स ऑफ सत्यजीत रॉय। राइट, सत्यजीत रॉय तो सबको पता ही होगा, द ग्रेट सत्यजीत रॉय। वाज अ ग्रेट डायरेक्टर आल्सो। सो ही हैड ए लॉन्ग एसोसिएशन विद सत्यजीत रॉय एंड ही इज नो मोर टुडे। सो ही वाज अ फोटोग्राफर, ही वाज एन ऑथर, ही एज वेल एज जब नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स दिया जाता है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिया जाता है 2007 में जब दिया गया था, सो ही वाज द ज्यूरी मेंबर आल्सो। सो ये भी आपको ध्यान देना है। एंड ये जो बिलोंग करते हैं ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीबीडीटी के नाम आपने सबने सुना होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे दो मेंबर्स रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। फिलहाल आप सभी को बताना चाहूंगा कि इनके जो हेड है इनका नाम क्या है? प्रमोद चंद्र मोदी। ओके, प्रमोद चंद्र मोदी। एंड जो न्यू मेंबर्स हैं इसमें से एक है के एम प्रसाद, के एम यानी कृष्ण मोहन प्रसाद, और एक मेंबर जो बने हैं कुमार गुप्ता। मुझे नाम याद है, कुमार गुप्ता और के एम प्रसाद इसके न्यू मेंबर्स बने हैं, है ना? ये दोनों आईआरएस ऑफिसर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सभी को पता है कि COVID-19 है, यानी पेंडेमिक आउटब्रेक है, घर बैठे आपको टाइम पास करना है। तो इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने क्या किया है? नेशनल बुक ट्रस्ट एक डिपार्टमेंट है इसका। अब सभी को कहा गया है कि आप घर बैठे 100+ बुक्स पीडीएफ ऑनलाइन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। तो ये जो कैंपेन है इसका नाम क्या है? ये कैंपेन जो है स्टे होम इंडिया विद बुक्स। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका वेबसाइट में बता देता हूं, nbtindia.gov.in nbtindia.gov.in। और यहाँ पे सभी लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगे, मलयालम, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, मराठी, कॉकबोरो, मिजो, बोडो, नेपाली, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़ा, उर्दू, संस्कृत, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लोइड कार्डोज ये कौन है? फ्लोइड कार्डो के बेहतरीन शेफ थे, है ना? ये ही हैज पास्ड अवे रिसेंटली। और जब भी इनका नाम आता है तो मुझे याद आता है दोस्तों कि बॉम्बे कैंटीन, ओ पेड्रो और न्यूयॉर्क का जो तबला, ये सब जो कैंटीन थे इन्होंने ही इनको पहचान दिया था। तो ये एक बेहतरीन शेफ थे एंड ही इज नो मोर। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज फ्लोइड कार्डोज को कोरोना वायरस हुआ था, ये कोरोना वायरस से पीड़ित थे। अब एक इंडिया का एक शहर है जहां पे प्रशासन ने ये डिसाइड किया है कि जो भी आउटब्रेक हुआ है कोरोना वायरस के चलते, अब ये लोग क्या करेंगे कि हवा से ही क्या करेंगे, ये लोग स्प्रिंकल करेंगे, केमिकल्स स्प्रिंकल करेंगे। मतलब इन्होंने 2 ड्रोन्स खरीद लिया है। कितना ड्रोन्स? 2 ड्रोन्स खरीद लिया है और ये हवा से ही ड्रोन्स के जरिए केमिकल स्प्रिंकल करेंगे। तो इससे क्या होगा? जो एनवायरमेंट है वो सैनिटाइज हो जाएगा। तो ये कौन सा शहर है इंडिया का? ये शहर है इंदौर। इंदौर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो है वो इंदौर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है कि आपके शरीर में वो क्या करेगा, एक होम क्वारंटाइन करके, यानी शरीर नहीं है ये हाथ ही है,
तो होम क्वारंटाइन करके एक स्टाम्प लगाएगा, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ऐसा टाइप होम क्वारंटाइन्ड, राइट। तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने अलाउ किया है, ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। और बस इतना इम्पोर्टेंट चीज है। और ये जो इनडेलेबल इंक जो कहते हैं ना दोस्तों, ये जो इनडेलेबल इंक कहते हैं, ये 3 दिन तक रहता है शरीर में, आपके शरीर में 3 दिन तक रहेगा। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, सुनील अरोरा है, एंड फॉर्म्ड 1950 में हुआ था, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से गवर्नमेंट ने कोविड-19 टास्क फोर्स सेटअप किया है फॉर मैपिंग टेक्नोलॉजीज, ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके जो हेड है ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आशुतोष शर्मा जो है इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी। अब G20 कंट्रीज ने कितना ट्रिलियन फंड इकट्ठा करने का प्लेस किया है, शपथ लिया है? सो ये जो आंसर होगा दोस्तों, ये होगा 5 ट्रिलियन। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, कैसे कहते हैं ना कि सेफ्टी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो वही चीज है। और G20 में मतलब सभी 19 कंट्रीज रहते हैं और यूरोपियन यूनियन रहता है। और G20 कंट्रीज जो 2020 का हुआ था, इसको हेड किया था सऊदी अरब के जो प्रधान हैं, उन्होंने हेड किया था। और 2021 में इटली में होगा, 2022 में इंडिया में होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट ने एक पैकेज अनाउंस किया है, कितने लाख का पैकेज अनाउंस किया है अर्बन और रूरल पुअर लोगों के लिए? ये जो पैकेज अनाउंस किया है 1.7 लाख करोड़। सो दिस इज 1.7 लाख करोड़। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि जितने भी वॉरियर्स हैं जो लड़ रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं लोगों की इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी, बाहर जाके काम कर रहे हैं, जैसे कि सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, आशा के कर्मचारी लोग हो गए, या डॉक्टर्स हो गए, या पैरामेडिक्स हो गए, या हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, इनके लिए 50 लाख का भी हेल्थ इंश्योरेंस इन्होंने 3 महीने तक के लिए किया है, ये भी आपको ध्यान देना है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अब डिसाइड किया है कि 150 करोड़ का कोविड कंटीजेंसी फंड इकट्ठा करेगा, किसके लिए? ऑब्वियस सी बात है, कोविड-19 के लिए। तो ये जो कंपनी है आईटीसी, आईटीसी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन जो है गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन, ये कल का न्यूज है, आरबीआई ने क्या किया है, अपना जो रेपो रेट है 75 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.75 डाउन कर दिया है। पहले कितना था, 5.15 था, तो -0.75 कर लो तो कितना बन जाता है, 4.40। रेपो रेट डिक्रीज हुआ तो रिवर्स रेपो रेट भी डिक्रीज होता है ना, तो रिवर्स रेपो रेट 90 बेसिस पॉइंट डिक्रीज हो गया, यानी 0.9 डिक्रीज हो गया। कितना बनाया है अभी बताइए मुझे कमेंट का बॉक्स में। और आपको ये भी बताते चलो, कल ही मैं बता रहा था आप सभी को कि 3.74 लाख करोड़ जो लिक्विडिटी है वो इंजेक्ट करेगा आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में, राइट। और ये भी बताते चलो कि जो सीआरआर है वो 3% हो गया है, पहले कितना था, 4% था, यानी कैश रिजर्व रेशियो जो है 3% है, यानी हर बैंक अपना एनडीटीएल का 3% आरबीआई के पास रखेगा। सीधा सीधा मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर 3% हो जाता है तो बैंक ज्यादा दे पाएगी लोगों को, है ना, ये भी आपको ध्यान देना है। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, LTRO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13th क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, कौन से हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है टू डेवलप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, कौन है ये, एम्स, कौन है, एम्स। तो बस इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक ऑफर किया है, हाउ मच करोड़ टू बैंक्स, 12-day variable रेपो रेट ऑक्शन के लिए, मैंने आपको कल भी बताया था, 11,772 करोड़ के लिए। कौन सा बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है ना स्टार्ट किया है, पहला कौन था, SBI, फिर कौन था, इंडियन बैंक, अब कौन है, ये है आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक के जो
हेडक्वार्टर्स है वो हैदराबाद में है, सीईओ जो है पैकिरी सेमी है, टेकलाइन क्या है, मच मोर टू डू विथ यू इन फोकस, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। उसको कहते हैं सीईसीएल, ध्यान देना सीईसीएल, व्हाट इज दैट, दैट इज कोविड 19 एमरजेंसी क्रेडिट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूडीज ने इंडिया का जीडीपी को कितना कर दिया है फोरकास्ट, मतलब 5% था 2019 में, अब कोरोना वायरस के चलते सीधा आधा कर दिया है, 2.5% कर दिया, बहुत कम है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। और आपको ये भी बताते चलूं कि S&P जो है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, इसने भी इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट 5.1% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17th क्वेश्चन, व्हिच गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड हेल्पलाइन नंबर फॉर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एमिड लॉकडाउन। अब देखिए लॉकडाउन हो गया तो बच्चे घर के अंदर हैं, और घर के अंदर रहेंगे तो बच्चे लोग हैं तो ये तो बाहर हमेशा घूमते हैं, अब लॉकडाउन के चलते ये कहीं ऐसा ना हो कि ये डिप्रेशन के शिकार हो जाए, तो इनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, कौन सा सरकार ने जारी किया है, जो सरकार है वो है वेस्ट बंगाल, इसके जो गवर्नर है जगदीप धाकर और ममता बनर्जी इनके चीफ मिनिस्टर हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो टीम बना है एक्चुअली 17 मेंबर्स का टीम बना है, साइकियाट्रिस्ट होंगे यहाँ पे, फिर काउंसलर्स होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, ये सब लोग होंगे, है ना, तो आप समझ सकते हैं कि सभी का ख्याल रखा जा रहा है, स्टे होम स्टे सेफ। कौन से बैंक ने एग्री किया है वो लोन प्रोवाइड करेगा अप टू ₹50 लाख, किसको, MSEs को, राइट, तो ये कौन सा बैंक है, ये है सिडबी बैंक, सिडबी, सिडबी 2 अप्रैल 1990 में बना था, और मुझे अभी भी याद आता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, और 2 अप्रैल यानी कपिल शर्मा का बर्थडे है, एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो है मोहम्मद मुस्तफा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अभी, सेफ करके ये प्रोग्राम है, क्या है ये, सेफ करके प्रोग्राम है, इसका मैं आपको बता देता हूँ फुल फॉर्म, सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट एमरजेंसी, राइट, सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट एमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, एनटीपीसी ने कंक्लूडेड द एक्विजिशन ऑफ द गवर्नमेंट स्टेक, देखो THDC नेपको में गवर्नमेंट का स्टेक था, एनटीपीसी ने खरीद लिया, तो कितने करोड़ में खरीद लिया, ये है 11,500 करोड़ में खरीद लिया, समझ गए, गुरदीप सिंह हैं इसके, गुरदीप सिंह याद है आपको, ITC, जस्ट नाउ भी आपको बोला था। कौन से इंस्टीट्यूशन हैज मेड एंटी इंफेक्शन फैब्रिक, देखो हॉस्पिटल है, एंटी इंफेक्शन फैब्रिक लगाया जाएगा, है ना, इंफेक्शन ना आए करके, तो ये कौन सा इंस्टीट्यूशन ने बनाया है, ये एट पार जो है IIT दिल्ली ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया इज प्रपोज्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर विच ग्रुपिंग टू हेल्प जॉइंटली कॉम्बैट कोरोना वायरस, ये है दोस्तों सार्क, सार्क कंट्रीज के साथ मिलके कोरोना वायरस को कॉम्बैट करने का मतलब इंडिया ने प्रपोजल दिया है। सार्क 8 दिसंबर 1985 में बना था, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, इसके जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शब्बा खेर, लव यू, अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, टेक केयर, बाय बाय।